नामने गौरश्री गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय सदाने कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तवैवास्मि नजिवामि तया विना इति विज्ञाय राधे तं नमः शरणं। अंग श्यामलि छटाभिरभित मन्दीकृतिनिवरं यद्दं जागुदरोति संकृदतं पट्टं परस्य श्रिया वृन्दारण्यनिवासिनं हृदिलसत्तामाखिलामोदरं राधास्कन्दविवेचितो बना लेते हैं। जैसे कि कोई मित्र
किसी मित्र के घर पे गया और वहां पर देखा जैसे उसके घर में चेयर पड़ी है किंतु थोड़ी सी मैली है, तो रुमाल निकाला और चेयर को साफ करके तब बैठा। ऐसे ही भगवान अपने शब्दों के, जो भगवान की कथाओं को सुनता है श्रद्धा पूर्वक और उनका कीर्तन करता है उनके हृदय में अपने आप विराजमान होकर के देखते हैं कि तो बहुत सा अनर्थ है, फूल अनर्थ उनके फूल है, खुद ही झाड़ बैठा करके और फिर उसमें विराजमान हो। श्रीमद् भागवत अथवा भगवत भक्तों के निरंतर सेवन से, चाहे भागवत हो श्रीमद् भागवत, भागवत की सेवा क्या श्रवण करता और भगवत भक्त उनकी कथा सुनना उनकी सेवा करना इत्यादि से जब हृदय की अशुभ वासनाएं नष्ट हो जाती है, भागवत के श्रवण से भी होता है, तथा प्रसन्न नाम वैद्य संपीड इत्यादि हो जाता है, या वैष्णव की सेवा जो संत है ऐसे जो भागवत कथा का कीर्तन करते हैं उनका सेवन भी यदि किया जाए तो अशुभ वासनाएं नष्ट हो जाती हैं। तब पवित्र कृति भगवान श्री कृष्ण के प्रति नैष्ठिकी भक्ति और नैष्ठिकी भक्ति किसको कहते हैं? उपरोक्त दोनों श्लोकों में कहा गया है कि श्रीमतान स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण तब भगवान के जस का श्रवण और कीर्तन करने से अशुभ वासनाएं नष्ट हो जाती है, पवित्र हो जाती है। वे सुनने वालों के इस वचन से अनिश्चितता भजन क्रिया की बात हो गई। वे कथा सुनने वालों के पहले तो हृदय में प्रवेश करके अनर्थ को दूर करते हैं, यहाँ पर अनिश्चितता भक्ति की बात कही गई। इसलिए यहाँ पर ऐसा ज्ञात होता है कि उसके हृदयंतस्थ शभद्रणी अभद्र है, अभद्र माने अनर्थ है, जो कि इसमें वर्णन किया है। हृदय में प्रवेश करके अनर्थों को अमंगलों को नाश कर देते हैं, ऐसा वर्णन किया गया। इस वाक्य के द्वारा अनर्थ निवृत्ति की बात कही गई। यहाँ पर तो अनर्थ निवृत्ति की बात नहीं, अतः अनिश्चितता भजन क्रिया के पश्चात ही अनर्थ निवृत्ति का क्रम उपलब्ध होता है, जैसा कि ग्रंथ में वर्णन किया है। अनिश्चितता थी, अब उसके अनर्थ सब क्या क्या है, कैसे दूर होती है इत्यादि वर्णन किया गया। अब द्वितीय श्लोक के पूर्वार्ध में नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भगवत सेवया भागवत सेवया तत् नित्य भागवत और भक्तों के सेवन से हमसे अनर्थ नष्ट प्राय होने, अनर्थ प्राय माने अभी अत्यंत ही नहीं हुआ है, अभी पूर्ण भी नहीं हुआ है, बहुत देश भटकनी ये हो गया है, अभी कितना, अभी 2 पैसा बाकी है, बाकी 98 पैसा हो चुका है। इस वाक्य से अनर्थ निवृत्ति के स्तर में भी कोई कोई प्रबल अनर्थ किसी किसी अंश में निवृत्त नहीं होता है, कुछ कुछ अनर्थ रह जाते हैं, ऐसा होता है। being Ganatara, Masanamayi, Gurubikalpa, etc.
And these were also the freedom from these were given in six stages, freedom from these announcers, Ekodesh, Vatmi, Mokudesh, Vatmi, Prayati, Abhyantiki, etc. Therefore, both Anishita Bhajan and Nishita Bhajan promote evidence has been taken from Srimad Bhagavatam. Srimatam, Swarata, Kata, Krishna, Punta, Shavana, Ketana, Vidyasthan, Hiya, Bhagavani, Kidanodi, Srivitsitam, Nasta, Prayaso, Vajrasya, Vidyam, Bhagavate, Sevaya, Bhagavati Uttama, Shloka, Bhakti, Bhagavati, Naishtiki. So, from these two verses, the indication has been given both of Anishita Bhajan and Nishita Bhajan. There, Srimatam Svakata Krishna is described that Krishna, who is the best well-wishing friend of those devotees who like to hear his performed Shravana Kirtan of his auspicious names, forms, qualities, and pastimes. Especially that devotee who is inclined to continuously perform Shravana Kirtan, then Krishna purifies the heart himself. The example is like Sukadeva Goswami, who achieved perfection by continuous kirtan, and Pariksit Maharaj, who achieved perfection by continuous hearing of that kirtan, or like Sri Ramananda Roy, who performed continuous kirtan, and Chaitanya Mahaprabhu, who also performed continuous hearing of that kirtan. Like Kata, Harikata himself, which is Krishna, directly enters the heart and purifies the heart, like a friend. For example, if we go into a friend's house and he says, take a seat, but that seat is a little dirty, then our friend will not have to, and that friend himself will clean the chair and sit in it himself. In the same way, Krishna, who is a well-wishing friend of the devotee who likes to perform Hari Kirtan, Krishna himself enters the heart, purifies the heart, and sits in the heart like an asan, like a seat. Therefore, Nityam Bhagavat Sevya, one should continuously perform service of the two types of Bhagavatam. What is one Bhagavatam is the Shastra Bhagavatam, and one performs that seva by continuously hearing. And the other type of Bhagavatam is the devotee, and the devotee should constantly serve him, the Bhakti Bhagavat. Therefore, Kapila Dev has also said, Satampa Sangam Mama Vedya Samvilo Bhavante Vidkana Rasayana Katha. By always hearing Rasayana Bhagavad Katha, which is like a nectarian tonic, then all inauspiciousness is destroyed. Then Naistiki Bhakti, or Nistika Bhakti, then Nistita Bhajan, or Naistiki Bhakti, makes its appearance in the heart. There was already been said, Srimatam Svakata Krishna Punya Shravana Kirtana. This Shravana Kirtana of Harikata, by this, all inauspicious things are destroyed. So, first there is a description of Anisita Bhajan, then Ananta Navriti, and after that Ananta Navriti, when Anantas are dispelled from the heart, then Nishita Bhajan, or fixed Bhajan, makes an appearance. Here, Abhadradi means Anantas. So, in the first verse, Srimatam Svakata Krishna Punya Shravana Kirtana, this is the description of Anisita Bhajan. And then the next verse, Nasta Praisu Bhadasu Nitya Bhagavat Sevya, that is the description of Nisita Bhajan. Nasta Praisu. Nasta Praisu means almost. Like when we heard the five levels of freedom from anattas, there was Ekodesh Vatani, Bahudesh Vatani, then Prayaki. So Nasta Prashu there indicates Prayaki, where there's only like 10% of anattas remaining. Haribol. Nishthamani kya? Nishthamani ki? Nishchalata. Man Nishchal. Three way. Bhajanati Sthirta Prapta Hoyle. Take Nishchita Bhajan Kriya Bhana. Bhajanati
मन लगेबार चेष्टा करा रही है जाते मन स्थिर भाई आमी हरि नाम करी हरि कथा श्रवण करी मने मने हरि कथा कुछ स्मरण करी किंतु अनर्थ अवस्था ते साधक चित्त चंचल था से व्यर्थ मनोरथ है आत्मते पारे केनो नाम समय लय दीक्षे अप्रतिपत्ति कसाय शासन बाधाएं अंतरे तो उपस्थित लय माने कि समान आर्थितन अस्मर समान कीर्तन अस्मर उत्तर उत्तरोत्तर अधिक निद्रा आने का नाम लय हरि कथा श्रवण करती कीर्तन करती जोरे जोरे ताने निद्रा को मास और श्रवण करती ताले किछु किछु निद्रा तंद्रा आस इसमें बहुत से लोग सो रहे हो अनेक घुमाते थे आज स्मरण करवा समय तो निश्चित उठे थे स्मरण करते गेलो आज ये अवस्था ते ये सब उपयुक्त नहीं ये तमो गुण से के उत्पन्न है अभी तम गुण अनर्थता कुछ कुछ परिमाणे दूर हो जाते अभी तमो आज के साधक अंगे भजन रसा स्वादन करने से वंचित कर ऐसा वंचित कर समान कीर्तन आदि माधुर्य आस्वादन करते पारे नहीं एक अलग तरीका यदि निद्रा लगे ताले की रकम करते पारे पीछे समान कीर्तन स्मरण आदि समय से व्यवहारिक स्मरण होते लग हरि कथा सुनछी अमोने मने बाड़ी कथा मने होते लग अन्य कोनो कथा विषय कथा मने बोलो चित्त चंचल गए बोलो और हरि कथा सुन रहो ना एकांति के भूले जाती है हरि कथा सुनते पारे एक बोले नीचे हाथे माला आछे नाम करछी हाथ चलछे किंतु मन का पोखर बहुत दूर अन्य देश के ओखान का कथा चिंता कर छे बाड़ी चिंता हो छे मैं की रकम आ छे बाड़ी लोग के मन आ छे ए सब चिंता के अथच एखाने हरि नाम को हाथों चल छे जबे आंगलियों चल छे আর সংখ্যা মালাও চলছে কিন্তু মন ওখানে না এরকম ভাবে হরিনাম করলে কিছুই ফল না বলকি তা অপরাধ এই প্রকার শ্রবণ কালেতে ভগবত কথা আরম্ভ আর অন্ত সময়ে ভগবত সভাতে বসে নানা রকম বিষয় কথাতে কথাবার্তা বা বৈচিন্তন করা এটাকে বলে বিচ্ছে অপ্রতিপত্তি লয় আর বিশেষ না থাকলেও সমান আর কীর্তন করবার মধ্যে যে অসমর্থতা ইচ্ছা আছে করতে পারে না ওটাকে অপ্রতিপত্তি বলে এরকম মতে হরি কথা শুনতে বসেছি কিন্তু মনই লাগছে না মন লাগছে না আলস্য সৃষ্টি করে অথচ সাহেবকে সদ্ধার জীবন বলা হয়েছে এটা তমগুণ থেকে উৎপন্ন হয় কষা শ্রবণ কীর্তন স্মরণাদি সাধন কালে ক্রোধ লোভ মদ মোহ অহংকার যে সংস্কার
आगे कसाय अनर्थ अवस्था में गुरु को संस्कार अनुरूप साधारण करने से क्रोध हो जाए समर्थ कीर्तन स्मरण कोनो को था एकटा होएगा क्रोध होएगा। स्वादिष्ट खाद्य वस्तु आस्वादक हमारी कथा करते करते आर वही खाद और खादी के लोग दैन दैन आदि विषय के गर्व हमें खूब सुंदर हमें धनी मानी प्रतिष्ठित व्यक्ति ये लोग सब एक ही रकम वस्तु रसास्वाद विषय सुख उत्पन्न हो गए उस समय के श्रवण कीर्तन स्मरण आदि ते मन लागे कोई विषय पता होने वाले काका पैसा अर्थ जमीन जायदाद बंधु बांधव प्रीति ये सब मने ये जन मन परित था दे लगे ग्रंथकार बोलछे ये अनर्थ निवृत्ति परे अनर्थ माने वो जे अनेक गुरी बोला है बोले उस साधक के हृदय से रोज आत्म गुण थाके किंतु जे प्रकार अनर्थ अवस्था उल्लिखित पांच प्रकार बाधा के उत्पन्न करिया भजन साधक भजने ते बाधा हो निष्ठा स्तरे ते भजने बाधक ना हो अबाधक अर्थात अनिश्चिता अवस्था ते भजन बहु बाधा निश्चित अवस्था हो गेले मन स्थिरता हो गेले बहु अंश ते बाधा दूर हो जाए तथापि अभी थाके भगवत भक्ति नैश्चिक एक श्लोक ते बोला हुई छे सदा रजस तमो भाव काम लोभात आदेश के चेतो एतत् एतहि अनाविद्धं सत्तम स्थितं सत्ये प्रसिद्ध नष्ट की भक्ति उत्पन्न होए गेले और काम लोभ द्वारा चित्त अनाविद्ध थाके अशुद्ध सत्त में प्रतिष्ठित होए गए एक उक्त श्लोक के चकार तास समुच्चय और देखा के काम लोभ आदि राजसिक तामसिक भावे अस्तित्व सुख उस समय पे काम क्रोध इत्यादि था के किंतु नित्य भागवत सेवाया नित्य हरि कथा भागवत कथा सुन ले और भगवत पद मने सेवा कर ले एक जा दूर के निश्चित आप अपनी हो जाए हो जाए तखन आस एक ही संचय हो जाए। हाँ therefore nishtha means nishtha fixed in one place therefore nishtha bhajana kriya means the mind is now fixed it fixed in hearing and chanting and also sometimes remembering hari katha but before the appearance of this nishtha bhajana kriya and after freedom from anattas there are still five more stages to be free from that is loy except pratipati kosaya and rasaswad loy means especially the time of kirtan sleep will come at the time of kirtan sleep will come and when it is more severe at the time of kirtan sleep will come that means that obstacle is very strongly present when sleep comes the time of hearing that means not so strong but it's there and especially the time of remembrance then sleep will always come because the disciple is still under the grip of tamagu therefore this loy means sleep and this loy will cheat the devotee of tasting the sweetness of Bhagavan's naam form rupa and lila then bhikshep means distraction the mind is the hand pulling the
finishing your 64 rounds, if you have no thought of Krishna, if you are thinking of my village, my car, my wife, my children, my relatives, the mind is distracted there. A pratipati means in this state there is no sleep or no distraction, but you are not feeling enthusiastic. There is laziness there, a pratipati, disinterest. Then kosai. Kosai means from nowhere there's six obstacles, lust, greed, anger, enviousness, madness, and illusion. From nowhere it appears they come very strongly and catch you. And lastly, rasaswad. By mentally to taste different forms of material enjoyment, including thinking I am very great, I am beautiful, I am very talented speaker, or to think of different types of enjoyment. These are five stages which come after Nantanavriti and before the appearance of Nishta. Therefore, at the time of Nantanavriti, the mind is still afflicted by especially the modes of Rajagun and Tamagun. Therefore, the mind that produces transformation in the mind. But in Nishta, these five, as well as the modes of nature, cannot present obstacles to Hari Bhajan. Therefore, Bhagavatam also says, Tada Rajas, Tamo Bhava, Kamaloma Kayas Chaitanya Anu, Chaita Keta Amaritam, Sura Sattva Prasidati. That Rajagun and Tamagun enter the mind, produce the transformations of lust and greed, etc. But when the mind is free from that, then Sudhasattva enters the mind, and the mind becomes peaceful. Therefore, conclusion, at this stage of Anisita Bhajan, there is no appearance of Sudhasattva. Abhi pravachan ke baad mein kuch jopan hoga. और इसके बाद में 9 बजे के करीब 9 बजे बसें आएंगी. आप सभी लोग वृंदावन जाएंगे, वहां पर नगर श्रम कीर्तन होगा, हम भी जाएंगे. अपना सभी प्रस्तुत था में 9 समय के गाड़ी आज पे और 10 समय उठाने पहुंचे जाए प्रस्तुत था. All should be ready at night. Buses will come, especially sannyasi and brahmachari should go with karta, hold karta.